केंद्र सरकार के प्रयास से गांव के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण हो रहा है, जहां बच्चे नए नए प्रयोग सीख रहे हैं। ये तस्वीरें गोधरा के काकनपुर गांव में एमजी शाह स्कूल की हैं। विपुल कुमार शाह यहां के प्रधानाचार्य हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने इसके लिए कैसे आवेदन किया और ये लैब बच्चों के लिए कितनी अहम है। हमने उसके पंजीकरण के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था और उसके बाद में हमको ये अटल टिंकरिंग लैब की मंजूरी मिल गई है। अब तक जो विद्यार्थी पढ़ते थे वो पुस्तक में से पढ़ते थे, ये लेबोरेटरी होने के साथ ही वो प्रैक्टिकल का भी अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और प्रैक्टिकल की वजह से उनको वास्तविकता का ज्ञान भी मिलेगा। स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब का बच्चों को भरपूर लाभ मिल रहा है। खुद छात्रों से सुनिए अटल टिंकरिंग लैब को लेकर इनका क्या कहना है। अभी तक हम जो थियोरेटिकल पढ़ते थे वो किताबों के माध्यम से पढ़ते थे, लेकिन एटीएल लैब की मदद से हम ये विद्युत मथक पावर के हाई वोल्टेज एसी करंट हमारे घर वपराश में कैसे लो वोल्टेज की तरह कन्वर्ट होता है वो इस प्रयोग के मदद से सीखने को मिला। एटीएल लैब की मदद से केंद्र सरकार ने हमें हमारे गांव में और हमारे स्कूल का विकास किया है और उनकी मदद से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनने से बच्चे अपने सपने को पूरा करने में जुटे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से हमारे स्कूल को जो एटीएल लैब मिली है उससे हमें बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। जैसे कि हम कोई भी प्रयोग पहले पढ़ते थे तो वो प्रयोग पहले से ही हुआ होता ही था, हम उसी को पढ़ते थे, लेकिन इस लैब की एटीएल लैब की मदद से हम फिर मतलब वो प्रयोग तो पढ़ते ही हैं पर उन पर आगे भी वो कैसे हुआ क्या हुआ वो हम खुद कर सकते हैं और कोई भी नया प्रयोग हम खुद भी यहाँ पर सीखते हैं और करते भी हैं। गांव के स्कूलों में भी बच्चों को प्रयोग करने के लिए बराबरी का मौका मिल रहा है। ये बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें इनके लक्ष्य तक पहुंचाने में अटल टिंकरिंग लैब्स अहम भूमिका निभाएगी।